चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस आपके चिरपरिचित प्लेटफॉर्म पे, जिस पे पिछले 15-20 दिनों से हम लोग लगातार मिल रहे हैं। और पिछले क्लास में जिन चीजों को बताया था उसको अब करंट से अपडेट करते हुए थोड़ा सा इंडस्ट्री सेक्टर को आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर की ओर, ठीक है। यानी आपने सुना होगा भी आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोविड का दौर है और कोविड ने, यानी कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है, और उस प्रभाव को कम करने के उद्देश्य के साथ सरकार ने 20 लाख करोड़ का महा आर्थिक पैकेज जारी किया। इसे ही आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जब लाया गया तो महामारी ने पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित तो किया है, उससे कृषि कैसे प्रभावित हुई पिछले क्लासेस में हमने चर्चा किया। उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, और ऐसे में स्पेशली इस महामारी के दौर में जो छोटे उद्योग हैं उनपे सबसे अधिक विपरीत प्रभाव पड़ा है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको MSME कहते हैं। और अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान आपने थोड़ा बहुत फॉलो किया होगा, करंट के बेस पे पढ़ा होगा, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि MSME की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। तो क्या कहा गया है, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में, किसमें, आत्मनिर्भर भारत अभियान में, और क्या क्या वो पॉइंट्स थे या वो कौन कौन सी चीजें जो सपोर्ट के रूप में इन क्षेत्र के लिए लाई गई हैं, उसी पे हम आगे आज बात करेंगे। तो भाई, आत्मनिर्भर भारत अभियान वर्सेज MSME, लिख लीजिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, MSME हिंदी में से कहेंगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम। क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, तो मैंने कहा कि MSME की परिभाषा में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है, किसमें, आत्मनिर्भर भारत अभियान में। तो पहले समझते हैं MSME है क्या और क्या इसकी परिभाषा पुरानी थी। देखिए भैया, MSME जो है ना, 2006 में, ठीक है, एक एक्ट लाया गया, क्या, MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, सरकार ने एक्ट लाया और इसके तहत इन MSME को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा बांटा गया किसमें, सर्विस, सर्विस इंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, ठीक है, दो में बांटा गया। यानी उद्योग
एक तो विनिर्माण उद्योग होंगे और दूसरा क्या, सेवा उद्योग होंगे। तीन उद्योगों में लगने वाले क्या पैसे के आधार पर इन उद्योगों की कैटेगरी की गई कि इसमें कौन कितना पैसा इन्वेस्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग में तो वो कौन सा उद्योग माना जाएगा, कितना पैसा इन्वेस्ट होगा सेवा में तो वो कौन सा उद्योग माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, एक परिभाषा बना या एक क्राइटेरिया बनाया गया। कैसे क्राइटेरिया बनाया गया, देखिए इसको ऐसे बनाइए। ठीक है, एक यहां पे, यहां पे, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसे हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहां लिख सकते हो वर्गीकरण, इंग्लिश में आप इसे क्या लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री, विनिर्माण, विनिर्माण इंडस्ट्री यानी इसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैं पुराना बता रहा हूं क्राइटेरिया, मैन्युफैक्चरिंग, और ये होगा सेवा यानी सर्विस बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें, सूक्ष्म, इसको कहेंगे माइक्रो। ठीक है, अगर कोई विनिर्माण उद्यम यानी विनिर्माण उद्यम है और उसमें क्या हो रहा है, 25 लाख खर्च हो रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है विनिर्माण क्षेत्र के किसी उद्योग में, अगर 25 लाख रुपए तक इन्वेस्ट हो रहे हैं तो क्या कहलाएगा, माइक्रो कहलाएगा। क्लियर, और सेवा क्षेत्र के लिए इसी को कहते हैं 10 लाख रुपए, अगर 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग में खर्च होता है तो उसे क्या कहेंगे, सेवा क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, और अगर यही चीज क्या, ये लघु के लिए क्या क्राइटेरिया है, लघु उद्योग, स्मॉल, अगर ये बढ़ के कितना तक हो जाए, इसमें 25 लाख से 5 करोड़ तक, 25 लाख से 5 करोड़ तक अगर निवेश ये बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब ये पुराना परिभाषा बता रहा हूं स्मॉल के लिए, और इसमें कितना था, 10 लाख से 2 करोड़ तक, और तीसरा मध्यम यानी मीडियम एंटरप्राइजेस या उद्योग क्या होगा, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें 2 करोड़ से कहां तक, 5 करोड़ तक। ये था क्राइटेरिया, परिभाषा या फिर बनाने का, क्लासिफाइड करने का, कितने इन्वेस्टमेंट में, ये कब था, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत ये था कि कौन सा उद्योग, अगर विनिर्माण क्षेत्र में किसी उद्योग में 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो कहलाएगा, जबकि सर्विस सेक्टर में कितना चाहिए, 10 लाख चाहिए। वहीं लघु उद्योग यानी स्मॉल सेक्टर के लिए 25 लाख से 5 करोड़ तक, ये मैन्युफैक्चरिंग में, और सेवा क्षेत्र में क्या, 10 लाख से 2 करोड़ तक होना चाहिए, और वही मीडियम के लिए क्या, 5 करोड़ से 10 करोड़, और सेवा में 2 करोड़ से 5 करोड़। आपके मन में सवाल ये हो रहा होगा, जब दोनों उद्योग हैं
तो सेवा क्षेत्र में कम क्यों किया गया था और मैन्युफैक्चरिंग में अधिक क्यों किया गया था? सवाल उठ रहा है मन में। देखिए, इसका पहला कारण यह है कि सेवा क्षेत्र में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, मशीनरीज का इस्तेमाल उतना नहीं किया जाता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम मशीनों से ही होता है। जैसे मान लीजिए माइक्रो यूनिट सर्विस सेक्टर लगाने, आपको छोटा सा कॉल सेंटर लगाना है, तो भाई उसमें क्या है, कॉल सेंटर में आप खुद रहेंगे सर्विस देने के लिए, और आप क्या करेंगे, एक फोन चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, हो गया, लग गया सेटअप कॉल सेंटर का। इसलिए कम वो निवेश मांगता है, जबकि मान लो आपको एक आटा चक्की की मशीन लगानी तो या फिर सेटअप बनाना है तो भी क्या होगा, बहुत सारा उसमें महंगा मशीन लगेगा जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा मांगेगा। मुझे लगता है ये अंतर समझ में आया होगा, लेकिन याद रखिए ये अब नहीं है, एमएसएमई का ये आधारित अब ये चीजें नहीं है। तो अब क्या है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान ने क्या किया, भारत में एमएसएमई के क्या जो परिभाषा है, क्लासिफिकेशन है उसकी, उसको क्या कर दिया, बदल दिया गया। अब दोनों शर्तें बदल गई, इन्वेस्टमेंट ठीक है और केवल इन्वेस्टमेंट रखा गया पिछली क्लासिफिकेशन में, इस बार क्या किया, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर रखा गया, ठीक है। और नया परिभाषा क्या हुआ उसको देखिए, यानी रिवाइज्ड, क्या लिख सकते हो, आत्म निर्भर भारत। आपने जब ये अभियान आया तो आपने देखा होगा लगभग 5 दिनों में वित्त मंत्री कैबिनेट और वित्त मंत्री राज्य ने हिंदी और अंग्रेजी में मिलके इस अभियान के बारे में पूरा बताया था, ठीक है, तो आपको याद होगा वो चीजें। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्या किया गया, रिवाइज्ड किया गया, रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन, एमएसएमई की क्या परिभाषा में बदलाव लाया गया, एमएसएमई की परिभाषा में क्या किया गया, बदलाव लाया गया, ठीक है। और क्या काम किया गया एमएसएमई को, तो इसमें कहा क्या किया गया कि एक कंपोजिट क्राइटेरिया अपनाया गया, दोनों क्षेत्र के लिए एक कंपोजिट क्राइटेरिया अपनाया गया, ऐसे कहते हो कंपोजिट क्राइटेरिया अपनाया गया, और वो कंपोजिट क्राइटेरिया यानी संयुक्त वर्गीकरण ऐसे कह लो, या संयुक्त शर्तें, आधार बनाया गया। क्या वो आधार था, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, इसको हिंदी में भी टर्न ओवर ही लिखो, टर्न ओवर देखा गया, निवेश देखा गया और क्या देखा गया, टर्नओवर देखा गया, इसको कंपोजिट आइडिया बनाएगा। तो नया परिभाषा क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा, इस चीज को देख लीजिए एमएसएमई के लिए। तो मैं यहां बना देता हूं, क्या ऐसे समझिए, ठीक है, ऐसे यहां कर लो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहां पे लिख सकते हो क्या, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, यहां लिख लो माइक्रो यानी
सूक्ष्म, यहां लिख लो स्मॉल, यानी लघु, यहां पर लिखो मीडियम, यानी मध्यम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप लिख लो मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस सेक्टर, दोनों को एक साथ रखा गया और इस बार दोनों के डिफरेंस को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो दोनों में कौन से उद्योग माइक्रो माने जाएंगे, जब उनमें निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या हो, 1 करोड़ तक हो और टर्नओवर क्या हो, 5 करोड़ तक हो, यानी 5 करोड़ तक, यानी 1 करोड़ से 5 करोड़ तक को क्या कहा गया, माइक्रो, ठीक है। और स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट यानी निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर कब तक हो, 50 करोड़ तक हो, ठीक है। और मीडियम के लिए क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट बीस करोड़ हो और निवेश, सॉरी टर्नओवर 100 करोड़ तक हो, तो कैसा एंटरप्राइजेस होगा, मीडियम एंटरप्राइजेस होगा। कैसा होगा, मीडियम। अब कुछ लोग घबरा रहे होंगे 1 करोड़ 5 करोड़ दे करके, 10 करोड़ 50 करोड़ का देख के, घबराना बिल्कुल नहीं है भाई। मैंने कहा पिछले वाला, पता आपको पिछले वाला जो मैंने बनाया उसमें मैंने कहा कि भाई देखो ये क्राइटेरिया था, 2006 पे बेस बना था, तो इतने कम कम इन्वेस्टमेंट के बेस पे, ठीक है, अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था इन उद्योगों को। अब क्या हुआ कि इसका दायरा बढ़ा दिया गया, जिस कंपनी को पहले कहा जाता था 25 लाख या 10 लाख इन्वेस्टमेंट हो तब उसे माइक्रो बोलेंगे, आज सीधे उसे कहां बढ़ा दिया गया, 1 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो माइक्रो होने का लाभ केवल कम लोगों तक पहुंच रहा होगा, ऐसे लोग छोटे को तो मिल रहा होगा जिसका केवल 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट है। अब इसने कह दिया 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को भी हम माइक्रो का लाभ देंगे, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट देने वालों का दायरा बढ़ाना हुआ ना भाई। माइक्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए सरकार ढेर सारी योजनाएं चलाती है, तो सरकार ये कह दिया, ये तो ठीक वैसे हुआ, सरकार ने कहा कि जो 50 रुपया कमाते हैं रोज खर्च करते हैं वो गरीब नहीं है, यानी 50 रुपया के कम वालों को क्या सरकार लाभ देगी, लेकिन सरकार ये कह दे कि जो 150 रुपया रोज खर्च कर रहे हैं वो गरीब है नहीं है, तो संख्या बढ़ जाएगी ना उनकी, यानी लोगों का ज्यादा भला करने की सोच रही सरकार। आप समझ में आ रहा क्या, बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, सरकार कहे कि जो 1 करोड़ तक का, क्योंकि 6 से लेके अब तक इतने साल हो गए, रुपए का वैल्यू भी घटा है, क्लियर हो रहा है, रुपए का वैल्यू घटा है, इसलिए जो 25 लाख 2006 में था अब मुश्किल से 50 हो गया होगा, और अभी भी क्राइटेरिया वही बना के दे रहे हैं और 25 लाख तक वालों को लाभ दे रहे हैं, बहुत लोग उसके ऊपर आ गए होंगे, तो इसलिए सरकार ने क्राइटेरिया को बढ़ाया है। मेरे ख्याल से मैं समझा पा रहा हूं आपको, माइक्रो मीडियम स्मॉल का स्टेटस मिलने से या उसमें आ जाने से क्या है, सरकार कंपनियों को या उन उद्योगों को बहुत सारी सरकारी राहतें मिल जाती हैं, क्लियर हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या है कि सरकार ने
इनकम टैक्स की छूट दे रखी है, मान लो 3 लाख रुपया एनुअल, ठीक है। आप क्या है, आप 3.5 लाख रुपया कमा रहे हैं या 3,20,000 रुपया कमा रहे हैं। अब ऐसे में क्या है कि आपकी तरह ही दिखने वाला व्यक्ति इनकम टैक्स से छूट का मजा लेगा। आप थोड़ा सा ऊपर हो गए हैं, बहुत अंतर नहीं उसकी स्थिति में आपके में, आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो आपको बुरा लगेगा ना। तो सरकार क्या कह दी अगली बार से, भाई 5 लाख तक छूट, एक बड़ा रेंज आ गया ना। तो ठीक वही बात है, इसमें 25 लाख, अच्छा सेवा में तो केवल 10 लाख था सर्विस सेक्टर में, इसको भी उठा के कहां पहुंचा दिया, 1 करोड़ तक पहुंचा दिया। तो क्या समझ में आया कि आपको नई परिभाषा के अनुसार जो उद्योग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में 1 करोड़ लगाएगा इन्वेस्टमेंट पे केवल देखो तो माइक्रो होगा, 10 करोड़ करेगा तो स्मॉल होगा, और 20 करोड़ का करेगा इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा, मीडियम होगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा प्रीलिम्स में, ये देख लो, वर्तमान नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग माना जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें निवेश क्या हो 25 लाख तक हो, ऑप्शन बी जिसमें निवेश 10 करोड़ तक हो, ऑप्शन सी जिसमें निवेश 1 करोड़ तक हो, ऑप्शन डी जिसमें निवेश 20 करोड़ तक हो। क्या होगा ऑप्शन, समझ पाए, 10 करोड़ तक। और आपको ऑप्शन पुराना भी दे रखा है 25 लाख वाला, तो समझ पाए क्या, यानी सीधी सी बात है, दिमाग में एक जगह बैठा लो एमएसएमई की न्यू परिभाषा, भैया माइक्रो है तो 1, स्मॉल है तो 10 और मीडियम है तो 20। 1 माइक्रो, इन्हें इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा हूं, 1 करोड़, 10 स्मॉल और उसके ऊपर क्या 20 करोड़, यानी क्या मीडियम इंटर क्या इंटरप्राइजेस। क्लियर हो रहा है, करंट की चीजें बता रहा हूं, एमएसएमई अभी हाल ही में है, और इसका इतिहास भी आपको बता दिए कि 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट लाया गया था, जिससे क्या किया गया, 2 चीजों में बांटा गया, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे में किस में, सर्विस सेक्टर में। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान ने एमएसएमई के लिए क्या क्या किया है वो थोड़ा सा लिख लो। पहला, 3 लाख का, 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री लोन फॉर एमएसएमई। एमएसएमई सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है किससे, कोविड-19 महामारी से, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में कैसे लोग जुड़े होते हैं। एमएसएमई क्या है, छोटे छोटे माइक्रो यूनिट्स, जैसे मान लो किसी ने क्या किया, छोटा सा कॉल सेंटर बना लिया, छोटा सा किसी ने क्या कर लिया, कोई छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया, जैसे मान लो बीड़ी बनाने का, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी छोटे छोटे उद्योग, जैसे चूड़ी बना रहा है छोटे लेवल पे, कोई पटसन का काम कर रहा है, कोई धागा बना रहा है, कोई कालीन वाला काम कर रहा है, कोई बुनकर का सेटअप लगाया हुआ है, ऐसे में छोटे छोटे चीजों को लेकर के इसको एमएसएमई कहते हैं। तो ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, तो सरकार ने कहा कि भाई सरकार 3 लाख करोड़ रुपया का कोलेट्रल फ्री लोन दे रहा है, यानी कोलेट्रल फ्री का मतलब है भैया आपको बदले में कुछ रखना नहीं है, ऐसे लिख लो थोड़ा सा, विदाउट सिक्योरिटी 3 लाख करोड़ रुपए देने को तैयार है। कौन, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ठीक है। दूसरा क्या है, 50,000 करोड़ रुपए क्या है, इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स,
घबराना नहीं है भाई, देखो ये चीजें बतानी पड़ेगी। एक टर्म आ गया इक्विटी, ठीक है। इक्विटी और शेयर में अंतर क्या होता है पहले यहां बता दूं, तभी इसको समझा पाऊंगा। इक्विटी और शेयर में अंतर, ये दोनों टर्म आपने सुना होगा, इक्विटी और शेयर। जैसे ये कहते हैं भाई, मान लो एक कोई भाई साहब हैं, ये कहते हैं हमने इतने शेयर खरीद लिए, जैसे मान लो रिलायंस RIL। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमने रिलायंस के 10,000 शेयर खरीद लिए, यानी शेयर हमेशा किसमें होते हैं, नंबर में होते हैं, और वो किसी को बेच सकता है तुरंत, रोज शेयर बाजार खुलता है, यानी नंबर्स में 10,000 शेयर, 5,000 शेयर, 5 शेयर, 500 शेयर, नंबर्स में होता है। जबकि इक्विटी क्या होता है, परसेंटेज, प्रतिशत में होता है। जैसे मैंने कहा कि UAE के राजकुमार जब आए थे तो RIL के 11% उसकी इक्विटी या हिस्सेदारी उन्होंने खरीद ली। यानी अगर 100 करोड़ की RIL है तो 11 करोड़ रुपया दे करके 11% के मालिक बन गए। तो इक्विटी समझ गए ना, शेयर नंबर्स होते हैं, क्लियर हो गया, और इक्विटी क्या होते हैं, परसेंटेज होते हैं। दोनों के तरह से आप कंपनी से जुड़ रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हैं। ये 11 करोड़ रुपए लेके जुड़े, ये कुछ नंबर शेयर के जो रेट हो करंट वो लेके खरीद के इससे जुड़ गए। अंतर समझ में आ रहा है इक्विटी में। एक और बड़ा अंतर है भाई, शेयर होल्डर्स को बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में, कंपनी की मीटिंग्स में, कंपनी के बोर्ड की मीटिंग्स में बैठाया नहीं जाता। किसको? शेयर होल्डर को। जबकि इक्विटी होल्डर बैठता है और इसे क्या, वोट देने का भी अधिकार होता है, इसे वोट देने का भी अधिकार होता है। कौन कंपनी का CMD बनेगा, कौन क्या होगा, अगर इस लेवल पे कोई अगर वोटिंग कराई जा रही है तो ऐसे में इसे वोट देने का भी क्या होता है, अधिकार दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है, आपके मन में सवाल उठ गया होगा अचानक कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि भाई बोर्ड की मीटिंग में इसे इसलिए नहीं बैठाया जाता है कि इसका कुछ भरोसा थोड़ी है, रोज शेयर बाजार खुल रहा है, ये क्या करेगा, आज आपकी बोर्ड में बैठा, आपकी गोपनीय बातें समझा, दूसरे दिन बेच दिया सब शेयर, फिर कोई और आ जाएगा, क्लियर हुआ। लेकिन ये थोड़ा अस्थाई होता है, इसलिए इसे जब प्रॉफिट होगा तो उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है, इसे वोट करने का भी राइट मिलेगा, क्योंकि ये मालिकाने हक का क्या है, इंटेग्रल पार्ट है। मुझे लगता है इक्विटी और शेयर में आपको अंतर समझ में आया होगा। मैं फिर दोहरा दूं, शेयर होता है संख्या, नंबर्स होती है, किसी कंपनी की कितनी शेयर्स खरीद के आप उसके साथ जुड़ रहे हैं। जबकि इक्विटी क्या होता है, परसेंटेज होगा। शेयर होल्डर स्थायी नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए शेयर होल्डर्स को कभी भी कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में बैठाया नहीं जाता है। जबकि वोट देने का जो अधिकार है वो इक्विटी होल्डर को दिया जाता है। क्लियर हुई बात? तो सरकार ने कहा कि भाई इक्विटी 50,000 करोड़ रुपए करके इन MSME की इक्विटीज में हम गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, फंड ऑफ फंड्स बना के इस चीज को लेकर के। इससे क्या होगा कि MSME को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और क्या है तीसरा पॉइंट, क्या है, 20,000 करोड़ का सबॉर्डिनेट डेप्ट फॉर MSME, 20,000 करोड़ का सबॉर्डिनेट उधार दिया जाएगा। सबॉर्डिनेट डेप्ट क्या होता है, आपके मन में सवाल आएगा। सबॉर्डिनेट का मतलब यह होता है, यह बड़ा रिस्क वाला बात होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक आदमी को, ठीक है,
क्या, 5 लाख रुपए उधार दिया, ठीक है। फिर एक आदमी और थोड़ा गरीब टाइप का है, वो कह रहा है सर हमें भी कुछ पैसे दे दो, मदद कर दो सर। मैंने कहा मदद तो नहीं करूंगा, उधार दूंगा तुम्हें, लेकिन कैसा उधार होगा? बोले सर उधार देना लेकिन रियायत में थोड़ा देना मुझे। बोले क्या? उधार तुम्हें दे दे रहा हूं मैं, तो जो गरीब होगा वो रिक्शे वाला या कोई भी है, वो कहा सर हमें सबॉर्डिनेट उधार दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम आपका उधार तभी चुपका कर देंगे जब बड़े लोग उधार चुका देंगे आपका, इसी तरह पे हमको उधार दो। इसका मतलब क्या है? हम जानबूझ के अपना पैसा क्या कर रहे हैं? फंसा रहे हैं। सबॉर्डिनेट डेप्ट का मतलब समझे, जो ओनर है वो तभी पैसा मांगेगा जब बड़े उसके उधारकर्ता पैसा लौटा देंगे, तब इससे वो मांगेगा, इस शर्त पे दिया जाता है। और गवर्नमेंट का यहां इंटेंशन क्या है? सपोर्ट करना ही भाई, इसीलिए सबॉर्डिनेट उधार। नहीं समझ में आया क्या? क्लियर हो रही बात? सबॉर्डिनेट डेप्ट का मतलब है हम एक मोर आर लेस अपना पैसा, ये बड़ा रिस्की होता है, खुद दे रहे हैं। जैसे मान लो किसी को इस शर्त पे उधार दे देना और वो आपसे इस शर्त पे उधार ले, हाँ भैया ले तो रहे लेकिन देंगे तभी जब सब लोग आपका लौटा देंगे, यानी सबसे लास्ट में मुझसे मांगना। तो क्या है ये उधार देना? इस तरह का उधार देने का मतलब है जानबूझ के अपना पैसा क्या करना? फंसाना, ठीक है। तो इसकी बात की गई, और फिर उसके बाद से क्या बात की गई? उसके बाद से बात की गई चौथा, क्या? एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट फॉर ITR 19-20 अप टू नवंबर 30, 2020। और MSME को जो अपना ITR भरना है, ठीक है, या उससे जुड़े लोगों को, तो उसको क्या किया है? ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, उसे कब तक बढ़ा दिया गया है? नवंबर 30 तक उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान और MSME का करंट स्टेटस, ठीक है। चलिए इंडस्ट्री की चीजें आपने पढ़ी और आत्मनिर्भर भारत अभियान का क्या असर है इकॉनमी पे, और दूसरी चीज क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग या MSME के लिए क्या किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखना था आपको, करंट से रिलेटेड चीज है। अब शुरू करते एक नए चैप्टर को, और मैं बताऊं ये आपका बड़ा फेवरेट चैप्टर होने वाला है, और जैसा कि मैं इस पे लिख चुका हूं, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। मैं बताऊंगा क्यों आपका फेवरेट होने वाला चैप्टर ये। देखो भाई, आप इसी दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपको गरीब कह रहा हूं तो आप दिल पे नहीं लेंगे इस बात को कि सर ने हमें गरीब कह दिया। भाई गरीब हर कोई है, गरीबी तुलनात्मक होती है। चैप्टर शुरू हो गया, आप ही को लेकर रिलेट करके मैं शुरू कर रहा हूं, गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं तो बेरोजगार है मोर और लेस, ठीक है, भाई रोजगार चाहिए ना। तो गरीबी क्या है? अगर कोई आपको गरीब कहता है तो आप बुरा ना माने, किसी ना किसी की तुलना में तो गरीब हैं आप। और इसका उल्टा एक और बात होती है कि किसी ना किसी की तुलना में आप अमीर भी हैं। तो ये दोनों चैप्टर हैं, बड़े ही अच्छे ढंग से हम इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो गरीबी और बेरोजगारी क्या है इंडियन इकोनॉमी के दृष्टि से, क्या होती है गरीबी, इसको देख लेंगे हम देश के लेवल पे। और गरीबी, अगर बात हो रही है देश की गरीबी, तो माइक्रो होगा या मैक्रो होगा? थोड़ा पीछे ले जा रहा हूं, याद करिए आप, क्या होगा ये? मैक्रो इकोनॉमी ना। अब देखिए क्या है अप्रोच, क्या होगा इस चैप्टर को डील करने के लिए, बड़ा सिंपल अप्रोच है। अगर हम जान लें, पहले तो भाई जान लें क्या है गरीबी, गरीबी है क्या, फिर जान लें हम क्या भारत में गरीबी कैसी है, भारत में गरीबी कैसी है, माने किस तरह की गरीबी पाई जाती है। अब किस तरह, जब शब्द मैं यूज कर रहा हूं, इट मींस दैट फॉरेन में कुछ और तरीके की होती होगी, और ये तरह तय करना, गरीबी गरीबी होती है, तरह का क्या मतलब होता है? तरह का मतलब इसलिए किया गया है
यानी ताकि हम ये देख पाए, ठीक है, क्या देख पाए कि भाई गरीबी मापन के आधार पे उसकी क्या प्रक्रिया को बदला गया है या उसको यू नो कैटेगराइज्ड किया गया है। तो इंडिया में तो हम देखेंगे इंडिया में गरीबी का मापन कैसे कहते हैं, यानी एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी मापन का तरीका क्या है। और फिर हम देखेंगे भारत में काजेस ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के कारण क्या क्या हैं, ठीक है। फिर इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी के प्रभाव क्या क्या हैं, और जो भी तीसरा चौथा जो भी हो गरीबी को दूर करने के सजेशन, यानी सुझाव गरीबी को दूर करने के, भाई सुझाव क्या क्या हो सकते हैं ये आप जान लीजिए, तो यानी ये बता दीजिए किसी को। तो मुझे लगता है मोर और लेस गरीबी का एक तरीके से चैप्टर हो जाएगा। और गरीबी को इंडेक्स मापने के लिए क्या है, मैंने MPI बताया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की है। और सेम फंडा हम अपनाएंगे किसके साथ, बेरोजगारी के साथ। पहले बताऊंगा कि बेरोजगारी क्या है, भारत में बेरोजगारी कैसी पाई जाती है, और भारत में बेरोजगारी कैसी पाई जाती है, और फिर हम बात करेंगे क्या कि भारत में जो बेरोजगारी होती है ना, वो उसके काजेज क्या हैं, बेरोजगारी के कारण क्या है, इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है बेरोजगारी का, और इसके सजेशन दूर करने के क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना, किस मामले में, बेरोजगारी के मामले में क्या किया जाना चाहिए ये आप बात करिए। और कोई बेरोजगारी दूर करने की सरकार की कोई बहुत अच्छी योजना है जैसे मनरेगा, इसके बारे में हम जान लेंगे। क्लियर हुआ? देखिए गरीबी पढ़ना आपको तो सबसे अच्छा सोर्स मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपको बता भी चुका हूं क्या, NCERT इकोनॉमिक्स की किताब है क्लास 11 की, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके है वो किताब का नाम। इसमें चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑफ यानी चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें पहला चैलेंज जो है गरीबी है, तो उसको पढ़िए आप, मैं साथ में पढ़ाता भी चल रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और क्लास को अगर ढंग से सुन लेंगे आप, साथ में जो PDF है उसको देख लेंगे आप, तो आप यकीन मानिए कि अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। और ये चैप्टर ऐसा है जिसे आप अपने आप को बड़ा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, तो क्या होता है इसमें बहुत दिक्कत आती नहीं है, बहुत अच्छे से आप समझ लेते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं गरीबी की, शुरू करते हैं इसको। गरीबी पॉवर्टी क्या होता है गरीबी, ठीक है, गरीबी एक सामाजिक दशा है, पॉवर्टी इज ए सोशल कंडीशन। कैसा सोशल कंडीशन है, एक टर्म मैंने यूज किया सामाजिक दशा है, गरीबी क्या है एक सामाजिक दशा है, पॉवर्टी इज ए सोशल कंडीशन। कैसा सोशल कंडीशन है, कैसी सामाजिक दशा है जिसमें एक व्यक्ति समाज में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए
जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इंग्लिश में से क्या कहेंगे बच्चों, बेसिक नीड्स। अब आपके मन में सवाल है क्या है बेसिक नीड्स, आप थोड़ा इमेजिन करिए, खुद से महसूस करिए इस चीज को, आपके जीवन जीने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है। आपने एक बड़ा पॉपुलर वर्ड सुना होगा, क्या, रोटी, कपड़ा और मकान। एक बड़ा ही व्यवहारिक तौर पे लोग कह देते हैं, भैया देखो रोटी कपड़ा मकान चाहिए हमें, यानी जीवन जीने की सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी पहली बात, इसको क्या कहते हैं, फूड। और ये देखिए बड़ा सिंक्रोनाइज तरीके से ये बताया गया है, मकान कपड़ा रोटी नहीं लिखा गया, पहले क्या चाहिए, भोजन, रोटी कपड़ा मकान, पहले भैया भोजन चाहिए। कहा गया कि भूखे भजन न होए गोपाला, यानी अगर पेट में भूख लगी है तो आप पूजा पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। भूख सबसे जरूरी या सबसे प्राथमिक आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, यानी जीवन जीने के लिए खाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप मान लीजिए व्रत हैं, और व्रत हैं उसके बाद से मतलब जानबूझ के व्रत हैं, मान लीजिए आप व्रत हैं और उसके बाद से आप पूजा कर रहे हैं और बहुत तेज भूख लगी है, और पूजा पे बैठे हैं आप और बगल में आपका पसंदीदा जो सबसे फेवरेट डिश है वो कहीं पक रहा है और उसकी हल्की हल्की स्मेल आ रही है, तो जवाब दीजिए विल यू कॉन्सेंट्रेट, बहुत मुश्किल है। इसी से निकला है भूखे भजन न होए गोपाला। मैं बात कर रहा हूं कि रोटी सबसे बड़ी बेसिक नीड है जीवन की, यानी फूड। फिर जब पेट भर जाता है तो हम सिविलाइज्ड हैं, तो यार थोड़ा कपड़े ले लेते हैं, ठीक है। और फिर तीसरी चीज है बच्चे क्या, मकान। फिर हमें एक शेल्टर चाहिए, एक आश्रय चाहिए, एक छत चाहिए। लेकिन इसके साथ और क्या बेसिक चीज है लाइफ की, ये तो बहुत बेसिक बात है, ऐसे पॉपुलरली कह दिया जाता है, फूड जरूरी है, क्लॉथिंग जरूरी है, हेल्थ, बेसिक नीड, यानी गुड हेल्थ। यानी गुड हेल्थ के लिए क्या जरूरत चाहिए हमें, हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, हेल्थ अच्छा है। फिर एजुकेशन मूलभूत जरूरत है कि भैया क्या चाहिए, चाहिए शिक्षा, आज के जमाने में बहुत चाहिए। यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे पशु मानते हैं, एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न सीलम न गुड़ो च धर्म त्रैमृत्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास विद्या नहीं है, ऐसा समझ लो कि वो इस धरती पे जानवर की तरह है, यानी शिक्षा जिसके पास नहीं है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी आम आदमी से आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी आम आदमी से आप अलग इसलिए क्योंकि आपकी शिक्षा ली हुई है, एजुकेशन। क्लियर हुआ, तो ये भी बहुत बड़ी बेसिक नीड है, ठीक है। और क्या, होम हो गया, घर, मकान जिसको कहते हैं बेसिक है। वाटर, कैसा वाटर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, और क्या आज बेसिक नीड क्या हो गया है, कंप्यूटर या इंटरनेट। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ये भी जीवन जीने की बेसिक चीजें हैं, ऐसे कह लो आप जियो का सिम, ठीक है। यानी ये कहीं लिखना नहीं है, आप ये आपकी मूलभूत आवश्यकताओं में जियो का सिम लिख देंगे, मैं ऐसे बता रहा हूं, इंटरनेट जो बेसिक नीड्स हो गई हैं। तो एक व्यक्ति समाज में, आप गरीबी पे आते हैं, समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन जीने की मूलभूत चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करता है लेकिन वो असफल हो जाता है, ऐसी सामाजिक दशा गरीबी, और वो व्यक्ति गरीब कहलाता है।
ये हुआ गरीबी की परिभाषा। इंग्लिश में बोलता हूं मैं आपको, पॉवर्टी इज अ सोशल कंडीशन इन विच अ पर्सन क्या करता है, अ पर्सन वॉन्ट्स टू या ट्राइज वॉट टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, वॉन्ट्स टू एक्वायर द बेसिक नीड्स ऑफ हिज लाइफ बट ही फेल्ड। दिस सोशल कंडीशन इज नोन एज पॉवर्टी एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज पुअर। दिस इज हाउ ऑल, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज पॉवर्टी। क्लियर हुआ? एक व्यक्ति कुछ नहीं, रटना ही नहीं है, सोचो ना भाई, एक आदमी है। अब आप, मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो आप अपने गांव में किसी व्यक्ति को सोचो, किसके किसके पास ये सब कुछ है, किसके पास अच्छा फूड है, गुड है, गुड फूड, कैलोरी युक्त खाना, किसके पास क्या है, अच्छा एजुकेशन है, किसके पास फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है, किसके पास इंटरनेट फैसिलिटीज है, किसके पास क्या है, अच्छी क्लोथिंग है, किसके पास अच्छा मकान है। जिसके पास नहीं है वो गरीब है, आप खुद कहते हो। तो परिभाषा कहीं रटना थोड़ी है। समाज में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन की अगर मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पा रहा है तो वो गरीब कहलाएगा, और उसकी वो दशा क्या कहलाएगी, गरीबी कहलाएगी। मुझे नहीं लगता आपको रटने की जरूरत है। अगर आपको गरीबी समझनी है तो आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए जो आपके गांव में हो, आसपास के क्षेत्र में हो। अगर उसके पास ये अच्छा हेल्थ नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर नहीं, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो भाई वो गरीब है। आसान हो गया? लेकिन देखो, गरीब क्या है, तुलनात्मक होती है गरीबी। हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अमीर होता है। और गरीबी क्या है, किसी देश के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हर देश या देश की सरकार हमेशा यह चाहती है उसका नागरिक गरीबी से बाहर हो। तो गरीबी मापने का कॉन्सेप्ट भी इसी इंटेंशन के साथ आया कि अपने नागरिकों को गरीबी से दूर करने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए, हम पहले चेकआउट तो करें कि रियल में गरीब कौन है, और उसके लिए पैरामीटर्स बनाए जाने लगे। वो आगे आएगा। फिलहाल अभी गरीबी की परिभाषा समझ में आई। गरीबी किसे कहते हैं, कोई आपसे बोलेगा तो समझा पाएंगे। कुछ नहीं करना, एक व्यक्ति को सोचो जिसके पास क्या है भाई। अगर बेसिक नीड्स तुम्हें पता है वो नहीं है, तो उसके बाद से क्या हो जाता है वो सिचुएशन, कि वो सोचेगा कि भाई कि दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या है। और इसी के साथ निर्धनता के प्रकार को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हम पाते हैं कि निर्धनता मापन के आधार पर विदेशों में, यानी डेवलप्ड इकोनॉमीज में, गरीबी का प्रकार दूसरा है, और यहां पे इंडिया में गरीबी का प्रकार दूसरा है। ठीक है, लेकिन गरीबी के प्रकार को समझने से पहले, ठीक है, हम एक काम करते हैं, क्या यह देखने की कोशिश करते हैं कि विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी का दुष्चक्र किसे कहते हैं। गरीबी की परिभाषा मान लो ये व्यक्ति है, ऐसे सोच लो, बुधई राम, ये बुधई राम है। बुधई राम के पास नो गुड और हेल्दी फूड, अच्छा खाना नहीं है। ठीक है, बुधई राम के पास क्या है, क्या नहीं है, और हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर क्या
नहीं है। गुड क्लॉथ्स अच्छे कपड़े नहीं है। गुड शेल्टर क्या है? नहीं है। और क्या? क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। और क्या? इंटरनेट नहीं है। तो भैया अगर ये सब कुछ नहीं है तो बुधई हो गया गरीब, और यह कंडीशन क्या कहलाई? गरीबी। अब आसान इससे परिभाषा समझ पाएंगे आप। मैंने कहा कि गरीब चैलेंज क्यों है या गरीबी भारत की इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम क्यों है। वाई प्रॉब्लम? देश की इकोनॉमी के लिए गरीबी बहुत बड़ी समस्या क्यों है? समस्या क्यों खोजते हैं। समस्या जानने के लिए आपको मैं एक बताता हूं, विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या है बच्चे, इसको समझिए। साइकिल है इसका मतलब कुछ चक्र होगा। इसको हिंदी में कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का दुष्चक्र क्या है? विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी इसको समझिए। देखिए सिंपल बात है, और ये मैं बात अब जो बताऊंगा ना आपको, आपको एकदम महसूस होगी। गरीबी क्या है? गरीबी के बारे में मैं आपको बताऊं, महात्मा गांधी ने कहा था कि पॉवर्टी इज अ व्हाट? वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। गरीबी या निर्धनता, निर्धनता सबसे, निर्धनता हिंसा का, किसका? हिंसा का सबसे निकृष्टतम रूप होता है। निर्धनता हिंसा का सबसे निकृष्टतम रूप होता है, यानी पॉवर्टी इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ, पॉवर्टी इज ए वर्स्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? वायलेंस। सोचिए कितनी बड़ी बात है। पूरी जीवन अहिंसा की बात करने वाले महात्मा गांधी ने गरीबी को सबसे अव्वल दर्जा का, सबसे यानी मतलब सबसे खतरनाक स्तर बताया। किसका? हिंसा का। यानी गरीबी अपने आप में बहुत बड़ा एक समस्या है, जोक है, मतलब जोक की तरह लग जाता है गरीबी, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यहीं से आता है विशस साइकिल। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, कैसे चलता है समझिए इस चीज को, गरीबी का दुष्चक्र। जैसे मान लीजिए कि गरीब है, ये गरीब है, ठीक है। अब ये गरीब है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये गरीब है तो बहुत सिंपल सी बात ये है कि ये अनएजुकेटेड होगा, क्या होगा? हाँ, मैं बात कर रहा था विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दुष्चक्र की बात मैं कर रहा था आपसे, ठीक है। तो देखो भाई, ये आदमी गरीब है तो ये
अनएजुकेटेड होगा, बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं। फिर क्या होगा, इसका हेल्थ भी ठीक नहीं होगा। गरीब है तो इसके पास वेल्थ भी नहीं होगा, तभी तो गरीब है, वेल्थ भी नहीं होगा, ठीक है। यानी हेल्थ भी ठीक नहीं है, वेल्थ भी ठीक नहीं है, और अनएजुकेटेड है, बीमार भी होगा ये। फिर उसके बाद से क्या है, इसकी शादी भी एक गरीब से ही हो जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्या होगा, ये चाइल्ड मैरिज होगा, यानी बाल विवाह। बाल विवाह होगा क्योंकि जागरूक भी तो नहीं होगा, ये जागरूकता की इसके पास क्या होगी, कमी होगी। अब एक गरीब से इसकी शादी हो गई, जब गरीब से शादी हो गई और ये दोनों मजदूरी करेंगे, कोई बहुत अच्छा नौकरी तो नहीं मिलेगा, अनएजुकेटेड होगा, तो फिर क्या होगा, अकुशल श्रमिक होगा। अकुशल श्रमिक ये भी, अरे अकुशल श्रमिक अगर बड़ा वर्ड लग रहा है तो लेबर समझ लो, ठीक है। तो ये दोनों लेबर होंगे, दोनों काम करेंगे, दोनों बहुत हेल्दी नहीं होंगे, इनका जागरूक नहीं है, तो चाइल्ड मैरिज होगा, तो ये भी कम उम्र में मां बन जाएगी। फिर जो बच्चा पैदा होगा वो भी बहुत हेल्दी बच्चा नहीं होगा, ये बच्चा जो पैदा होगा ये क्या होगा, हेल्दी नहीं होगा। ये जो बच्चा पैदा उसका न्यूट्रिशन पोषण बिल्कुल सही तरीके से इसका नहीं होगा, ठीक है। इसका जब न्यूट्रिशन सही ढंग से नहीं होगा, इसका पोषण सही ढंग से तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये भी बीमार रहेगा, अनहेल्दी, ठीक है। ये भी, इसे भी अच्छा गुड एजुकेशन या कह लो क्वालिटी एजुकेशन इसे नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब इसे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा और ये जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा, इसे क्या करेगा, ये अपने साथ काम में इस बच्चे को लगा लेगा, यानी जो पढ़ने भी जाएगा वो बहुत जल्दी क्या कर देगा, ड्रॉप आउट कर देगा, यानी पढ़ाई छोड़ देगा। अब जब ये पढ़ाई छोड़ देगा, ड्रॉप आउट हो गया, और फिर जैसे ही इसके काम में हाथ बटाएगा, नहीं तो फिर क्या कर देगा, ये माइग्रेंट कर जाएगा, यानी पलायन कर जाएगा कमाने के लिए दिल्ली बंबई। एक बार कमा के आएगा फिर इसकी भी शादी हो जाएगी, फिर भी एक बच्चा पैदा कर देगा, ये भी, वो भी वही गरीब होगा। तो ये जो चक्र है वो ऐसे चलता रहता है, इसी को कहते हैं विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। यानी गरीब गरीब पैदा करता है, फिर वो गरीब उस गरीब को पैदा करता है, यानी ये जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहता है। अब अपने गांव में किसी गरीब परिवार को याद कर लीजिए, देखेंगे गांव के गरीब परिवार को, उसके बाबा भी वही थे, बेटा भी वही हो गया, फिर उसका भी बेटा वही हो गया, और दिल्ली बंबई या पंजाब जहां भी होगा कमाने निकल जाता है, फिर उसकी भी शादी होती है, फिर उसके साथ सिचुएशन ऐसा हो जाता है। यानी जो प्रैक्टिकल बात है, अगर आप गांव से जुड़े होंगे तो जो मैं बात कह रहा हूं उसे आप समझ पा रहे होंगे, देखे होंगे कोई गरीब है तो बहुत पीढ़ियों से गरीब होते चला जाता है। जैसे जैसे मान लो किसी के यहां कोई नौकरी कर रहा है, नौकर है, फिर उसका जो बच्चा पैदा होता है मोर और लेस वो भी नौकर का काम करता है, फिर उसके साथ, तो यही विशेष साइकिल है। लेकिन इस साइकिल को, दुष्चक्र को तोड़ता कौन है, ठीक है, इस दुष्चक्र को तोड़ता है एजुकेशन, शिक्षा।
कैसे तोड़ता है सोचिए। एक गरीब है मान लिया, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में अकुशल श्रम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं दोनों। उसमें एक चीज अवेयरनेस आ गई किसी में कि भाई देखो हमने तो नहीं पढ़ा लिखा लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को क्या करेंगे पढ़ाएंगे। और फिर जब बच्चा पढ़ लेता है बच्चों, तो मान लो वो पीसीएस हो गया या यूपीएससी में आ गया, पीसीएस हो गया या यूपीएससी में आ गया तो क्या होगा, अब बताइए क्या वो भी किसी अकुशल श्रमिक रहेगा क्या? उसी तरीके से अब उसका बच्चा भी क्या होगा, पीसीएस हो गया, अब उनका जो बच्चा होगा वो भी लेबर का काम करेगा क्या? नहीं ना। तो इस तरीके से ये जो साइकिल हो वो टूट जाता है, और ये साइकिल तोड़ता है कौन, एजुकेशन, शिक्षा। समझ पाए, शिक्षा में वो दम है कि गरीब घर का बच्चा भी आगे बढ़ के बड़ा ऑफिसर बन सकता है, ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ताकि वो शिक्षा से क्या होता है, मनुष्य तर्क बुद्धि आती है, और जब वो तर्क करना लगता है, जो गलत होता है उसके खिलाफ बात करता है, वो अपनी बातों को महसूस करना शुरू कर देता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो विशेष साइकिल समझ में आया, और इसे दुष्चक्र क्यों कहते हैं समझ में आया। गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रहती है। बाबा जी गरीब थे तो पिताजी भी गरीब हुए, उनका बेटा भी गरीब हुआ। लेकिन अगर इस बीच में कोई एक पीढ़ी पढ़ ले गई, कोई शिक्षा ग्रहण कर लिया, उसमें कोई अधिकारी बन गया, नौकरी पा गया, तो अब वो गरीबी दूर हो जाती है। क्लियर हुआ बात? तो इसे कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र। अब समझिए गरीबी के प्रकार या गरीबी के टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, क्या होता है भाई गरीबी का प्रकार? देखो भाई, गरीबी जो होती है, डेवलप्ड कंट्रीज में दूसरी तरीके की मानी जाती है, और इंडिया में गरीबी को मापन के आधार पे दूसरे तरीके का माना गया है। यानी गरीबी को दो प्रकार कह सकते हो, एक तो सापेक्ष गरीबी, क्या, सापेक्ष गरीबी, और दूसरा है निरपेक्ष गरीबी। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो सापेक्ष गरीबी का मतलब क्या होता है? इस तरह की गरीबी स्पेशली कहां, फॉरेन कंट्रीज में, या फिर ऐसे कह लो डेवलप्ड इकोनॉमी पाई जाती है। ठीक है, जैसे मतलब गरीबी वहां देखा जाता है ना, डेवलप्ड इकोनॉमी में गरीबी को तुलनात्मक रूप से देखा जाता है। ठीक है, तुलनात्मक रूप से देखने का मतलब क्या है, इसको समझिए थोड़ा। पूरे समाज को विभिन्न आय वर्ग में बांट दिया जाता है, विभिन्न आय वर्ग में, यानी पूरा देश विभिन्न आय वर्ग, यानी होल कंट्री इज डिवाइडेड इन सेवरल स्ट्रेटा या क्लासेस। ठीक है, जैसे मान लिया यहां देखा जाता है कि भाई 5 लाख एनुअल कमाने वाले लोग कितने हैं,
दस लाख एनुअल कमाने वाले कितने लोग हैं, एक करोड़ एनुअल कमाने वाले कितने लोग हैं, दो करोड़। अब सापेक्ष यानी दस पांच लाख कमाने वाला दस लाख के रिलेटिवली क्या होगा, गरीब होगा, और दस लाख वाला एक करोड़ के रिलेटिवली क्या होगा, गरीब होगा, और एक करोड़ वाला दो करोड़ के रिलेटिव, सापेक्ष यानी पांच लाख के वर्ग में आने वाला व्यक्ति दस लाख पाने वाले व्यक्ति के सापेक्ष में क्या होगा, वो गरीब होगा। ठीक है, दस लाख पाने वाला व्यक्ति एक करोड़ पाने वाले व्यक्ति के सापेक्ष में क्या होगा, ये गरीब होगा। इसी तरीके से एक करोड़ पाने वाला व्यक्ति, ठीक है, दो करोड़ पाने वाले व्यक्ति में यानी सापेक्ष रिलेटिव, यानी इसमें क्या होता है, सापेक्ष गरीबी में क्या होता है, कि पूरे सोसाइटी को, पहले तो सापेक्ष गरीबी में समाज को विभिन्न आय वर्गों में बांट लिया जाता है। ठीक है, विभिन्न आय वर्गों में क्या कर लेता भैया, बांट लिया जाता है, और देखा जाता है इन दोनों आय वर्गों में असमानता क्या है, दो आय वर्गों की या इन आय वर्गों की, आय वर्गों के मध्य असमानता खोज ली जाती है, असमानता देखी जाती है, यानी जैसे मान लो एक क्लास है, मैंने बताया 5 लाख वाला, दूसरा क्लास है 10 लाख एनुअल, तीसरा क्लास है 20 लाख एनुअल। ठीक है, ये जो सेवरल इनकम ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनके बेस पे यहां देखी जाती है। अच्छा, मजे की बात क्या है, आपको ये नहीं पढ़ना है, रिलेटिव पावर्टी आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है, जो इंडिया में पावर्टी मापा जाता कैसे, लेकिन फिर भी बताता हूं, और ये रिलेटिव पावर्टी और क्लियर हो जाएगी आपको जब आप इंडिया में पावर्टी मापने के लिए एब्सोल्यूट पावर्टी जानेंगे। एब्सोल्यूट पावर्टी ये आपके सिलेबस में है, यानी, और सापेक्ष भी तो सिंपल है ना, एक क्लास बना लिया गया कि 5 लाख वाला कौन, 10 लाख वाला, 20 लाख वाला, 1 करोड़ वाला, 10 करोड़ वाला, अलग अलग क्लासेस बन गए, स्ट्रेटा बन गया, उसमें देख लिया जाता है कैसे किया जाता है। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, एब्सोल्यूट पावर्टी, देखो भैया आप भारत में, ये आपके सिलेबस में है, इसको और ध्यान से सुनिए, निरपेक्ष एब्सोल्यूट पावर्टी, निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, एब्सोल्यूट पावर्टी समझिए इस चीज को, आप अगर भारत में हैं तो आपकी स्थिति दो ही हो सकती है, ये मान लीजिए आप हैं, आप भारत में अगर हैं तो दो ही बातें हो सकती हैं, एक या तो आप गरीब हैं सरकार की नजर में, दूसरा या तो आप गरीब नहीं, या तो आप गरीब हैं, आइदर यू आर ए पुअर और नॉट पुअर, दो ही कंडीशन, यानी एब्सोल्यूट स्थिति है, या तो आप गरीब हैं या तो गरीब नहीं है। तो एब्सोल्यूट स्थिति पता करने के लिए क्या किया जाएगा, एक लाइन खींच लिया गया जिसे कहते हैं पावर्टी लाइन, पावर्टी लाइन, ठीक है, इसे गरीबी रेखा,
गरीबी रेखा कहते हैं, ठीक है। अब यहां पॉवर्टी लाइन थोड़ा बनाना गड़बड़ है, ऐसे समझिए, नहीं तो वहां उल्टा हो जाएगा वो, या फिर ऐसे ये लाइन है, इसे कह लीजिए पॉवर्टी लाइन। कुछ पैरामीटर्स बना के एक लाइन खींची गई, ठीक है। वो क्या है पैरामीटर्स, अभी आएगा। निरपेक्ष समझिए, या तो इस लाइन के ऊपर आप हैं तो आप एपीएल हैं, एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और अगर या आप इसके नीचे हैं तो इसको कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी आप बीपीएल हैं, यानी आप गरीब हैं। इसी तरह की गरीबी कहलाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। समझ में आया क्या? निरपेक्ष गरीबी इस प्रकार की गरीबी होती है कि कुछ पैरामीटर्स के आधार पर एक गरीबी रेखा खींची जाती है। उस रेखा के अगर आप ऊपर हैं भारत में, या तो आप एपीएल हैं या तो बीपीएल हैं। ये नहीं है कि आप किस क्लास में आते हैं, किस आय वर्ग में आते हैं, कैसे। गरीबी का केवल एक यहां फार्मूला है, एक नियम कानून है, क्या भैया, कि या तो आप एपीएल हैं या तो आप क्या हैं, बीपीएल हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। आपने अगर एक मूवी देखी हो, बहुत बेहतरीन फिल्म है वेल्डन अब्बा, उसमें जो उसमें नायक होता है वो क्या होता है, एक कुआं गायब हो जाता है सरकारी योजना के तहत, सरकार की तरफ से उसे उसके गांव में वाड़ी मिलती है, कुआं मिलती है, और कुआं का फोटो खींचा जाता है और उसमें कुआं बनाया ही नहीं जाता है। क्या किया जाता है, खेत में बस कुएं के ऊपर की जो दीवाल दीवाल है वो बना के फोटो खिंचा दी जाती है, फिर उसके बाद उसका पैसा सैंक्शन हो जाता है और स्थानीय अधिकारी इसको खा जाते हैं, ठीक है। तो जिसके खेत में कुआं रहता है उसमें कुआं तो हुआ ही नहीं, मतलब उसमें बना ही नहीं था, वो सब कुछ खत्म हो गया, तो वो क्या कहता है कि वो उस कुएं के गायब होने की FIR लिखवाता है, ठीक है, कि भाई मेरे खेत में कुआं था, कुआं चोरी हो गया, और वो फोटोज दिखाता है कि सरकारी योजनाओं के हिसाब से देखिए यहां कुआं बना हुआ था, उस कुएं के बारे में पता लगाइए, ठीक है। वो मैं निरानी इसमें एक्ट्रेस है। खैर जो मैं बताना चाह रहा था समझिए थोड़ा सा एक अच्छा, तो जो वहां का SDM होता है वो मैं निरानी को पूछता है, ये बताओ कि तुम कहां हो, पॉवर्टी लाइन के किधर हो, कैसे नहीं हो। तो कहता है सर जिस दिन तनख्वाह मिलती है मुझे, यानी जॉब वालों का या सरकारी कर्मचारियों का स्थिति यह है कि जब सैलरी मिलती है तो वो APL होते हैं, ठीक है, और जैसे ही 15 तारीख बीत जाता है तो क्या होते हैं, वो PPL हो जाते हैं। ये है 5 तारीख तक या 10 तारीख तक, और फिर उसके बाद से 15 तारीख। तो उसमें कहता है कि सर जब तनख्वाह मिलती है तब APL होता हूं, और जब तनख्वाह खत्म हो जाती है या बीच में जो स्थिति आती है तो क्या हो जाता हूं, मैं BPL हो जाता हूं, ठीक है। तो यहां भी कंडीशन मोर और लेस निरपेक्ष गरीबी आपको लगता है समझ में आ गया होगा कि एक पैरामीटर बनाया था, वो पैरामीटर क्या है अभी वो आएगा। सापेक्ष गरीबी कैसे मापते हैं, इसकी 2 विधियां हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। सापेक्ष गरीबी मापन की विधियां, ठीक है, अब वो कौन सी विधियां हैं थोड़ा सा लिखिए, मेथड ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी एस्टिमेशन। मेथड्स ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी एस्टिमेशन, सापेक्ष गरीबी मापन के क्या मेथड। एक बड़ा पॉपुलर मेथड है, आपने सुना भी होगा, क्या है, लारेंज वक्र विधि। लारेंज कर्व
मेथड, लारेंज वक्र विधि। क्या है लारेंज कर्व मेथड, लारेंज वक्र विधि क्या है? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसको समझने के लिए दो तीन बातें हैं। आपसे क्या पूछा जाता है प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में क्या कहता है कि लारेंज वक्र विधि किसे कहते हैं, ठीक है, और ये कैसे वर्कआउट करता है, इस चीज को समझिए थोड़ा सा। ठीक है, लारेंज वक्र विधि है क्या और ये कैसे मतलब मापा जाता है, इस चीज को समझिए। पहली बात तो कुछ फैक्ट बातें इसके साथ लिख लीजिए, जो पूछेगा आपसे मैक्सिमम यही पूछेगा फैक्ट ही, ठीक है। क्या कि यह विधि कब आज इजाद की गई, 1905 में, 1905 में मैक्स लारेंज द्वारा, मैक्स लारेंज के द्वारा, ठीक है, मैक्स ओ लारेंज, मैक्स ओ लारेंज, मैक्स ओ लारेंज के द्वारा, ठीक है, यह विधि विकसित की गई। मैक्स ओ लारेंज के द्वारा यह क्या विधि विकसित की गई, ठीक है, और क्या हुआ इसमें, क्या होता है इस चीज को समझिए। मान लीजिए अगर ये क्या है, क्या है ये, अगर दो एक्सिस है एक्स और वाई, ये क्या है आय प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत, ठीक है, और यहां देश की कुल आय प्रतिशत में, आय का प्रतिशत। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे किसको रखें, पीपल जो लोग देश की जनसंख्या में, यानी कितने लोग कितना कमा रहे हैं, जैसे मान लो देश का टोटल इनकम है, एक्स एक्सिस पे कितने लोगों का प्रतिशत जो उस लोगों को उतने आय को मैनेज कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे क्या रखें कि देश का इनकम का परसेंटेज, जैसे मान लीजिए कि 10% देश के 10% धन पे, धन यानी देश के 10% धन पे देश के 10% लोगों का अधिकार हो, ऐसे ही 20% धन पर कितने 20% लोगों का अधिकार हो, ऐसे ही 30% धन पे 30% लोगों का अधिकार हो। अगर ऐसी स्थिति हो, हालांकि यह संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 10% पैसा 10% लोगों के पास हो, ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए इंडिया के पास कुल 100 रुपया हो या 100 रुपया है इंडिया के पास, तो 10 रुपया 10 लोगों के पास हो, 20 रुपया यानी 20% 20 लोगों के पास हो, 30 रुपया 30 लोगों के पास हो। यानी कहने का मतलब यह है, अगर ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कि जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट है किसका, धन का, ठीक है, वही परसेंटेज लोगों में बट जाए, तो एक जो रेखा जाएगी इसे निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं। ये जो जाएगी, ये जो कोड होगा 45% का होगा, और इसे कहते हैं निरपेक्ष
समता रेखा, निरपेक्ष समता रेखा कहेंगे, एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। सापेक्ष गरीबी में मैंने ये कहा कि विभिन्न आय वर्गों में देश की कुल आय को बांटा जाता है, उसी आय वर्ग के हिसाब से उस तरह लोग आएंगे उसमें। लेकिन सवाल यह है कि अगर मान लिया कि अगर ये मान ले कि 10% आय 10% लोगों के हाथ में है, 20% आय देश की 20% लोगों के हाथ में है, 30% आय देश की 30% लोगों के हाथ में है, अगर ये स्थिति हो जाती है तो जो एक रेखा जाएगी वो 45 अंश का कोण बनाएगी, 45 अंश का क्या बनेगा, इसका कोण बनेगा, और इसे एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन कहते हैं, निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं। अब क्या है लारेंज कर्व, क्या है लारेंज कर्व, ये इसी के आसपास गुजरेगा, लारेंज कर्व इसी के आसपास गुजरेगा, इसे कहते हैं लारेंज वक्र, लारेंज वक्र कर्व। अब क्या है यह कर्व, अब लोगों में असमानता पता करनी है हमें गरीबी देखने के लिए, तो यह कर्व एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन लाइन से जितना दूर होगा असमानता उतनी अधिक होगी। जैसे मान लीजिए लारेंज कर्व है, मैंने कहा ये 10% के पास में है, लेकिन जैसे ये दूर गया, मान लो ये दूर जा रहा है, यहां मान लो क्या है 5 है या 3 है, 3 है ठीक है, अब 3 है तो यहां ले जाने के बाद ये जाएगा आपका, यानी अगर ये दूर गया तो यानी क्या दिखेगा कि 3% धन देश का क्या 9% लोगों के पास है। अगर ये और दूर गया, ठीक है, तो जब ये जाएगा यानी इसका मतलब क्या है, अगर ये कर्व ऐसे होके जाएगा तो अधिक धन कम लोगों के पास, ये पोर्शन बढ़ेगा और ये कम होगा, तो गैप बढ़ेगा ना। असमानता का मतलब क्या होता है, असमानता का मतलब ये है, जैसे मतलब भारत में एक रिपोर्ट आई, ठीक है, कि भारत में ऐसे 15% लोग हैं या और कम समझ लो कि 1% लोगों के पास देश का 70% पैसा रखा हुआ है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये जो होगा ये आएगा यहां और ये कर्व ऐसे आएगा, 70% पैसा यहां तो देश का दे जाएगा और ये ऐसे कर्व बनेगा, यानी असमानता रेखा, यानी ये जितनी दूर जाएगी अनइक्वालिटी और बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो यहां 20%, अगर ऐसे 20 से 20 होता तो इक्वल होता, लेकिन 20% यहां अगर आ रहा है, ऐसे मान लो 20 है, ये यहां पे आएगा तो ये 50 जाएगा, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसलिए इसको एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए फिर से बनाता हूं, ठीक है। क्या मैंने कहा कि ये, मैं कह रहा था कि भाई देखो ये अगर इधर देश के कुल आय का, कुल धन का प्रतिशत हम देख लें और यहां जनसंख्या का प्रतिशत देख लें, मैंने यही कहा, अगर मैंने कहा 10% लोगों के पास है देश का 10% पैसा, तो ये एक रेखा जाएगी, इसे कहेंगे ये 45 डिग्री की होगी, इसे कहेंगे
एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन, हमें असमानता चेक करना है ना, ये तो बैलेंस की स्थिति है। लेकिन अगर कर्व इस रेखा के जितना दूर जाएगा, ये लॉरेंज वक्र है, यानी ये जो गैप जितना बढ़ता जाएगा, लॉरेंज वक्र यानी लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर जाएगा, लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर जाएगा, क्लियर हुआ, जितना दूर जाएगा यह असमानता उतनी बढ़ती जाएगी, असमानता उतनी बढ़ती जाएगी, लॉरेंज वक्र जितना दूर जाएगा असमानता उतनी बढ़ती जाएगी, और लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना करीब होगा, समानता उतनी अधिक होगी। और ये एकदम आ जाएगा तो एकदम इक्वालिटी आ जाएगी, समान आ जाएगी, लेकिन ये जितना दूर जाएगा, जैसे मान लो एक लॉरेंज वक्र यहां से ऐसे जाता है, तो यहां मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 10, 20, 30, 40, ठीक है, 10, 20, 30, 40। अगर 10% लोगों के पास, 10% लोगों के पास 10% पैसा है तो इक्वालिटी लाइन बनेगी, 20% के पास 20% पैसा है तो इक्वालिटी लाइन बनेगी, 30% के पास 30% पैसा है इक्वालिटी लाइन बनेगी। लेकिन लॉरेंज कर्व क्या कहता है बच्चों, कहता भैया कि ये जितने दूर जाएगा, जैसे मान लो दो, मान लो कर्व आपने हाइपोथेटिकल सोच लिया, दोनों लॉरेंज कर्व है, ये गैप जितना बढ़ेगा असमानता बढ़ती जाएगी। तो जैसे इसके साथ देख लो आप, यहां आसपास आ रहा है 20% लोग है ना, ये जनसंख्या के पास, यहां देख लो अगर इसके सामने आओगे तो क्या होगा, ये 20% जनसंख्या के पास केवल 5% धन है, लेकिन नीचे वाले के पास जाओगे आप क्या होगा कि 20% जनसंख्या के पास, ये इसके और नीचे आएंगे, ठीक है, ये और नजदीक आए 2% हो गया, ये जितना बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो इतना ही गैप बढ़ता जाएगा। समझ में आए क्या, यानी लॉरेंज वक्र डिनोट्स दैट इनइक्वालिटी या असमानता जो होगी वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन और लॉरेंज कर्व के बीच के गैप पर डिपेंड करता है। कोई डाउट, ये गैप जितना बढ़ता जाएगा असमानता बढ़ती जाएगी लोगों के बीच, और ये गैप जितना कम होता जाएगा असमानता कम होती जाएगी लोगों के बीच। क्लियर हुई बात, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक और है, अच्छा देखिए गिनी कोफिशियंट, एक अगला तरीका है गिनी कोफिशियंट।
दूसरा मेथड है गिनी गुणांक। कोफिशियंट, गिनी गुणांक क्या है? गिनी कोफिशियंट कुछ नहीं है, लारेंज कर्व वाला बनाया तो इसको पहले बनाते हैं, ये बन गया मान लिया, ठीक है, और ये बन गया, इसे क्या बोलेंगे बताइए? निरपेक्ष एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन, निरपेक्ष समता रेखा, एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन कहते हैं। ये बन गया, और ये क्या जा रहा है बताइए? इसे कहेंगे लारेंज वक्र, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम कर दें रेड से, इस गैप को, ये क्या है? आय का प्रतिशत है, देश की कुल आय, देश की आय का प्रतिशत है, और ये क्या है? जनसंख्या का प्रतिशत, यही तो था। तो मैंने कहा कि लारेंज वक्र में, लारेंज वक्र एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन से जितना दूर जाएगा असमानता उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है, और ये जितना नजदीक आएगा असमानता उतनी कम हो जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब देखिए क्या है इसके साथ। गिनी कोफिशिएंट का मतलब ये होता है, ठीक है, अब ये मान लीजिए इसको ऐसे कर ले हम, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको ऐसे कर लें और इसको हम ऐसे कर दें पूरे को ब्लू से, एब्सोल्यूट लाइन के नीचे का पूरा क्षेत्रफल इसको कहिए, ठीक है, ये इसको ऐसे कर लिया हमने ब्लू के साथ कर लिया इसको, ठीक है। अब देखिए गिनी गुणांक बराबर क्या होता है, गिनी गुणांक बराबर एरिया बिटवीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन एंड लारेंज कर्व अपान अपान टोटल टोटल एरिया बिलो द एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन, एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन, ठीक है, ये बात हो रही है इसकी। अब इसको समझिए थोड़ा सा, क्या इसको समझना है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन को कैसे वर्कआउट करना है। मैंने कहा कि ये है गैप, ये रेड जो है इसको आप ऐसे कह सकते हो, इसको कह सकते हो
गिनी कोफिशियंट इज इक्वल टू रेड, ये जो रेड है, अपॉन ब्लू, यानी रेड एरिया और ये ब्लू की एरिया। अब देखिए क्या है, कोई चीज का जब गुणांक होता है, ऊपर एक्स है वाई है, ये मान लो एक्स है और ये टोटल वाई है, तो ये जो गुणांक होता है या एक ही साथ होता है वो इसके रिलेटिव में उसके हिसाब से, जैसे ऊपर का अगर बढ़ रहा है जिसको अंश कहते हैं, अंश अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना इसके। तो जैसे मान लीजिए ये ऊपर का एरिया बढ़ता है, ये वाला पोर्शन बढ़ता जाता है, यानी ये ऐसे होने लगता है, कैसे होने लगता है, ऐसे ये यहां तक जाने लगता है, ऐसे होने लगता है ये एरिया, तो ये बढ़ता है तो गिनी कोफिशिएंट क्या होगा, हाई होगा। यानी अगर, और अच्छा ये बढ़ेगा तो गैप बढ़ेगा, लॉरेंज बॉक्स से पता है आपको, इससे क्या निकलता है कि अगर गैप बिटवीन इक्वालिटी लाइन एंड लॉरेंज कर्व, निरपेक्ष समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का अगर अंतर बढ़ता है तो गिनी गुणांक बढ़ता है, तो असमानता बढ़ता है। तो जैसे पिछली बार हमने कहा, यानी इसके पहले जो हमने पढ़ा कि लॉरेंज वक्र के मध्य और समता रेखा के मध्य ये जो गैप बढ़ता जाता है तो असमानता बढ़ती है, तो इसी तरीके से कहते हैं अगर गिनी गुणांक बढ़ रहा है इसका मतलब ये ऊपर का बढ़ रहा है, फिर ये कम भी हो रहा है क्योंकि ये इसकी एरिया को घेरता जा रहा है, तो भी क्या असमानता बढ़ेगी। अगर गिनी गुणांक नीचे हो रहा है, यानी ये एरिया बढ़ता जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, ये लाइन इसके करीब होता जा रहा है, तो असमानता घटेगी। समझ में आया क्या, गिनी कोफिशिएंट समझ में आया, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। देखो भाई, मैंने कहा लॉरेंज वक्र वाला जो हमने समझा कि अगर किसी देश की कुल, ध्यान से सुनो अब, सिंपल एकदम ध्यान से सुनना है, घबराना नहीं है, मैंने कहा अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं और किसी देश की जितना जनसंख्या है उसका प्रतिशत एक तरफ लिख देते हैं और उस देश में जितना आय है या धन है, पैसा है, उसको एक तरफ लिख देते हैं, तो अगर हम कहें इस देश की कुल पूंजी का 10% लोगों के पास है, 20% लोगों के पास है, 30% लोगों के पास है, तो भैया जो लाइन जाएगी ना वो 45 अंश पे एक एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन जाएगी, माने पूरे देश में एकदम समता दिखेगी, क्लियर, यानी इतने परसेंट लोगों के पास इतना चीज है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन जाएगी। लेकिन देखो क्या मुद्दा है, मुद्दा ये है कि जब ये चीजें चली जाएंगे अपने हिसाब से, तो मेन चीज क्या है कि लॉरेंज कर्व जब बनाया तो अगर ये कर्व जो है उस लाइन के जितना दूर जाएगा, अमीर गरीब की बीच की असमानता बढ़ती जाएगी, आसान, ये कर्व जितना नजदीक आएगा, यानी ये वाला जो कर्व है ये जितना नजदीक आएगा तो समानता की तरफ जा रहा है ना, तो समानता बढ़ेगी, ऐसे समझ लो, समानता रेखा है ये, तो ये जो जैसे ही इसके पास आएगा तो समानता बढ़ेगी देश में, दूर जाएगा तो असमानता बढ़ेगी, ये लॉरेंज वक्र का नियम था। गिनी कोफिशिएंट ने क्या किया, उसी पे अपना एक और दिमाग लगा दिया, क्या लगा दिया कि भाई इसके बीच का गैप ऊपर रख लो और टोटल क्षेत्रफल को नीचे कर लो, यही तो लिखा हूं, गैप बिटवीन या एरिया बिटवीन व्हाट, ये लाइन और इसके गैप के बीच में, तो देखो ये बराबर गिनी कोफिशिएंट होगा। आपने मैथ का नियम सुना होगा, जैसे मान लो आपको मैं मैथ के बताऊं, जैसे मान लो क्या है कि, जैसे मान लो 10/5, ठीक है, तो ये बराबर कितना हो सकता है, चलो पहले इसको यहीं लिख देते हैं, इधर ही लिखे पहले, 2 होगा, कोई डाउट है क्या। मान लो इसको बढ़ाया जाए, समझना,
इसको बढ़ाया जाए। अब इसे क्या कर दें, 20 कर दें और इसको घटाया जाए, इसको क्या कर दें, 2 कर दें। तो ये क्या हो रहा है बताओ मुझे। अब जो भाग आएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 यानी 10 होगा। तो ये बढ़ा ना। दूसरा, ये तो कंडीशन एक है, दूसरा कंडीशन क्या है, मान लो ये 10/5 है और अभी 2 आया हुआ कंडीशन 2 में, कंडीशन 2 में इसे क्या किया जाए, घटाया जाए। ये क्या है, लॉरेंज वक्र, उसके बीच का गैप है, इसको घटाया जाए यानी इसको कर दे 5 और इसको क्या कर दे, बढ़ाया जाए इसको, इसको कर दे 10। तो ये क्या आएगा, सीधे 2 से 0.5 के पास पहुंच जाएगा, यानी घट जाएगा। यहां यही समझो कि अगर ये एरिया ऊपर है, ये बढ़ा यानी ऊपर की चीज बढ़ी, तो कोनी कोफिशियंट ऊपर उठेगा। यानी यदि गिनी कोफिशियंट हाई है तो असमानता हाई होगी, यदि गिनी कोफिशियंट लो है तो असमानता क्या होगी, कम होगी। अब मेरे ख्याल से समझ में आएगा, यदि गिनी गुणांक उच्च है, अधिक है, तो असमानता, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी दिखाई जा रही है, भी क्या होगी, अधिक होगी। गिनी कोफिशियंट अधिक होने का मतलब क्या है, गैप बिटवीन व्हाट, एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन, गैप बिटवीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन और क्या, लॉरेंज कर्व हाई होगा। समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में आते हैं, भारत में गरीबी मापने का क्या तरीका है। इसको निरपेक्ष गरीबी मापन, तो थोड़ा सा भूमिका समझेंगे इस चीज को, रटना नहीं है। पहली बात तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, भारत में इस समय एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में प्रीलिम्स में गरीबी मापन की जिम्मेदारी है, यानी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। भारत में गरीबी मापन के लिए जिम्मेदार कौन है, ए बी सी डी। ए लिखो योजना आयोग, बी सीएसओ, सी एनएसएसओ और डी, चलो योजना आयोग हटा देते हैं, अब योजना आयोग तो रहा ही नहीं, तो लिख लो वित्त मंत्रालय। और डी क्या, नीति आयोग। वित्त मंत्रालय, सीएसओ, एनएसएसओ और नीति आयोग, लगाइए इस पे क्या लगाएंगे आप, और आपका सही जवाब है नीति आयोग, इसलिए गांठ बांध लो। भारत में
भारत में गरीबी मापन की जिम्मेदारी किसके पास है? नाम सुना है आपने? नीति आयोग। और इसके पहले किसके थी? पहले कौन जिम्मेदार था? पहले योजना आयोग। योजना आयोग का काम था पॉवर्टी एस्टिमेशन। क्लियर हुआ? अब आपको सीएसओ एनएसएसओ नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है? क्यों? इसको समझिए, डेटा कलेक्शन का काम होता है एनएसएसओ के द्वारा। जैसे मान लीजिए आप मेरे स्टूडेंट बन जाए, ठीक है, बन जाए मतलब कि आप हैं हमारे स्टूडेंट। मैं कह रहा हूं कि मान लो कि कोई रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, मैं रिसर्च प्रोजेक्ट पे, ठीक है, तो मैं उस पर कुछ लिख रहा हूं, कोई आर्टिकल मान लो मैं लिख रहा हूं, उस आर्टिकल को मुझे रिसर्च पेपर मुझे पब्लिश करना है। तो मैंने आपसे कहा कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आप जाओ डेटा कलेक्शन करके ले आओ। आप गए डेटा कलेक्शन करके ले आए, मुझे दिए, उस डेटा का एनालाइज किया मैंने और मैंने एक रिपोर्ट लिखी। तो एक बात बताइए, वो रिपोर्ट किसके नाम से जाएगा या वो रिपोर्ट किसके नाम से छपेगा? तो वो रिपोर्ट छपेगा मेरे नाम से, आपके नाम से नहीं। हालांकि आपने भी मेहनत की है। तो ठीक वैसे ही गरीबी मापन की जिम्मेदारी किसके पास है? तो भाई नीति आयोग से। इन्हीं संस्थाओं के द्वारा वो डेटा कलेक्शन का काम तो करता है, लेकिन नीति आयोग। अब सवाल यह है कि क्यों जरूरत पड़ी गरीबी मापन के लिए, ठीक है? अब देखिए, 70 के दशक में 6th 5-year plan में सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। यही दौर था जब बहुत तेजी से रिफॉर्म चल रहा था। समझिए इस चीज को कि क्यों हमें जरूरत पड़ी गरीबी मापन की इंडिया में। वाई पॉवर्टी एस्टिमेशन, इसको समझना जरूरी है। वाई पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे, वो मैं आपको बता दूंगा। वाई पॉवर्टी एस्टिमेशन यानी कंडीशंस को थोड़ा देखिए, परिस्थितियां 70 के दशक। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बदल रही थी। प्लानिंग पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से सडन चेंज हो रही थी इंडियन इकोनॉमी की। जब भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही थी, बहुत बड़े स्तर से सुधार हो रहे थे, 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा और सरकार ने मन बना लिया क्या कि हमें गरीबी को दूर करना है। तो गरीबी को दूर करने के लिए पहले पता तो चले गरीब हैं कितने, गरीबी को दूर कैसे करेंगे उस पे काम हो। तो गरीबी को दूर कैसे इसलिए करेंगे, किस तरीके से करेंगे, गरीबों के अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा कर दें उन्हें तो गरीबी हो जाएगी दूर। गरीबों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे दूर किया जा सकता, ऊंचा किया जा सकता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट ऐसा शुरू किया गया कि भाई एमएसपी के द्वारा उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देकर के उनके फसल को खरीद लिया जाए, फिर उसको एक जगह स्टोर किया जाए, बफर भंडार, बफर सिस्टम आपने सुना होगा, उसको एक जगह क्या किया जाए, स्टोर कर लिया जाए। जब उसे एक जगह स्टोर कर लेंगे, स्टोर करने के बाद से उसको एक जगह फिर पीडीएस व्यवस्था के तहत देने की बात शुरू हुई। तो पीडीएस में किसको किसको दिया जाए ये भी देखने के लिए, इस पीडीएस व्यवस्था को देखने के लिए ये पहले सोचा गया क्या कि रियल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज तो खोजा जाए, पता तो चले किसको देना है। इन कंडीशंस पे देखते हुए टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पुअर्स, ठीक है, सरकार ने क्या शुरू किया, निरपेक्ष गरीबी मापन का रास्ता शुरू किया। और इसीलिए निरपेक्ष गरीबी मापन को कहते हैं हेड काउंट मेथड, हेड काउंट
मेथड। हेड काउंट मेथड का मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी को हेड काउंट मेथड किया जाता है। इसका मतलब टू फाइंड द रियल नंबर ऑफ, टू फाइंड द रियल नंबर ऑफ पुअर्स, इसके लिए शुरू किया गया, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया, इन्होंने इसके लिए एक पैरामीटर बताया, जो मैंने बताया कि दे हैव सेट अ सर्टेन पैरामीटर, कि जो उस पैरामीटर को फाइंड आउट करेगा तो वो एपीएल हो जाएगा, और जो उस पैरामीटर को नहीं भर पाएगा वो क्या हो जाएगा, बीपीएल हो जाएगा। और उनकी संख्या गिन लेंगे तो हो गया ना हेड काउंट मेथड, क्लियर। अब हमें पता चल गया भाई कि ये हमारा टारगेट है, अब इनको अमीर बनाना है या इन्हें एपीएल बनाना है, इन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाएं देना है, फिर सरकार उसी हिसाब से वर्क ऑफ एक्शन शुरू कर दी। क्या मैं परिस्थितियां आपको समझा पाया, क्यों पावर्टी, देखिए सबसे जरूरी चीज है आप समझिए पावर्टी एस्टिमेशन क्यों लाया गया, टू फाइंड आउट द रियल नंबर ऑफ द पुअर्स। और क्यों लाया गया, टू फाइंड आउट हाउ दे विल फाइंड आउट, सो इन एब्सोल्यूट पावर्टी दे हैव सेट अप अ लाइन, व्हाट इज दैट लाइन, दे हैव सेट अप अ सर्टेन काइंड ऑफ पैरामीटर एंड दैट लाइन यू नो बिलीव्स विद दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। If someone is not fulfilling that particular parameter, he will consider as a BPL, below poverty line. If somebody is fulfilling that particular parameter, so then he will consider as APL. By this process, we will find out the real number of the poors, and we can count the heads, that how many poors we do have, which percentage of our population is below poverty line, then we have a certain what targets, we have certain samples, fir kya hoga, then government has a plan of action to remove the poverty. So that's why government has given a slogan of removing poverty, okay. So basic thing is that ki what is absolute poverty, absolute poverty is a kind of poverty which find out a certain what boundary, certain limit, certain line with certain parameters, and this parameter divides the whole country in two categories, one is APL and second is BPL. APL is above poverty line and second is below poverty line. So let's find out the what are the government's efforts to find out these things and what are those parameters. So there were two type of parameters, wo kaun se parameters the, pehli baat to kya hai, agar hum ye pata kar le ki yaar wo khane mein kya le raha hai, yani calorie method. Pehla method kya tha, calorie method. Calorie method mein kya tha ki ek aadmi agar koi calorie ka parameter bana le, hum ki calorie jante ho na, एनर्जी की यूनिट है जो हम खाते हैं, अगर आप 10 तक पढ़े होंगे तो कैलोरी तो पता ही होगा आपको, एनर्जी की क्या है वो यूनिट है, जो हम खा रहे हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें क्या होता है कि उसका उससे क्या हमें एनर्जी मिलती है। तो सरकार ने सोचा या कुछ इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि अगर हम ये पता कर लें कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, तो उस कैलोरी कंजम्पशन के आधार पे हम पता कर सकते हैं वो अमीर है कि गरीब है। अगर कोई हाई कैलोरी फूड को ले रहा है इसका मतलब वो एफर्ट करने लायक है, इसका अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। बहुत लो कैलोरी को कर रहा है तो भाई उससे क्या है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। तो यानी हेड काउंट मेथड पे दो मेथड आया,
यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी एस्टिमेशन में दो मेथड काम करे। एक मेथड कहता है क्या, कैलोरी कंजम्पशन, यानी कैलोरी उपभोग, ठीक है, और दूसरा कहता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, या इसे एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है। पहले कैलोरी कंजम्पशन समझते हैं। इस मेथड में कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर हम पता कर ले कि कितने कैलोरी का कंजम्पशन कर रहा है, उस कंजम्पशन के बेस पे हम तय कर पाएंगे कि वो बीपीएल है या वो एपीएल है। इसके लिए क्या पैरामीटर रखा, अर्बन और रूरल। अगर यू लिख रहा हूं मैं तो अर्बन यानी शहरी क्षेत्र, और आर लिख रहा हूं तो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र। अगर शहरी क्षेत्र का आदमी एक दिन में पर पर्सन कितना 2100 कैलोरी कंजम्पशन कर रहा है पर पर्सन पर डे, तो वो गरीब नहीं होगा। और ग्रामीण क्षेत्र का आदमी अगर 2400 कैलोरी पर डे और पर पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या होगा, वो भी गरीब नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, ऐसी स्थिति में सिचुएशन ये बनती है क्या कि हाँ, क्यों आपके मन में सवाल आएगा कि ये 2400 कैलोरी गांव के लोगों के लिए क्यों रख दिया और 2100 कैलोरी शहर के लोगों के लिए क्यों रखा, ठीक है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि 2400 और 2100 कैलोरी शहर का और गांव के लोगों के लिए क्यों रखा, तो इसमें आप जिस चीज को समझ लीजिए कि इसका मतलब ये हुआ कि शहर के लोग, हाँ मैं कह रहा था कि शहर के लोग क्या करते हैं, कम मेहनत करते हैं और गांव के लोग अधिक मेहनत करते हैं, तो इसलिए उन्हें कैलोरी कंजम्पशन की अधिक जरूरत है, जबकि शहर के लोगों को उतना फिजिकल वर्क में, मेहनत से मतलब मेरा फिजिकल वर्क से है, नहीं होता है। लेकिन बाद में ये पैरामीटर बहुत सही नहीं रहा, इससे सही रियल नंबर ऑफ पुअर्स नहीं पता चला, इसलिए 2009 में क्या किया गया, इस पैरामीटर को बदला गया। और इस पैरामीटर को बदल के क्या कहा गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे मान लीजिए इस पे, इस पैरामीटर पे, जैसे मान लीजिए कि जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं शहर के बहुत अमीर हैं, कम कैलोरी कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे करीना कपूर टाइप्स लोग, जीरो फिगर, तो भाई ये लोग तो बीपीएल में आ जाएंगे क्योंकि उनका कैलोरी कंजम्पशन तो बहुत कम है। तो जब ये बीपीएल में आ जाएंगे तो आप सोचिए कैसा लगेगा कि करीना कपूर तैमूर खान के साथ क्या कर रही हो, पीडीएस की लाइन में लगी हैं और अनाज ले रही हैं, राशन ले रही हैं, ठीक है, तो ये बड़ा अजीब लगेगा। तो इसलिए पैरामीटर क्या हो गया, मैं ये उदाहरण बता रहा हूं बस आपको कि पैरामीटर्स क्या हो गए, थोड़े चेंज हो गए। जब पैरामीटर्स चेंज हो गए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को रखा गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की खर्च, यानी ये देखा जाए, इसे एक्सपेंडिचर मेथड भी कहा गया, दूसरा मेथड जो था कि हम ये पता कर ले कि कितना खा रहा है इससे नहीं, कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहा है इसपे नहीं। अगर हम पता कर ले भाई वो एक दिन में एक व्यक्ति कितने रुपए अपने ऊपर खर्च कर रहा है, यानी उसके जीवन जीने का कॉस्ट क्या है, तो हम पता कर पाएंगे कि भाई ये गरीब है कि नहीं। कुछ पैरामीटर्स बनाए कि अगर एक आदमी एक दिन में इतना रुपया खर्च कर ले रहा है तो वो गरीब नहीं होगा,
वो क्या है वो अलग अलग अभी मैं बता रहा हूं। मैं अभी दो मेथड बताया, फिर से दोहराते हैं। एब्सोल्यूट पावर्टी, निरपेक्ष गरीबी। भारत में निरपेक्ष गरीबी क्यों? क्योंकि भारत में गरीबी में बहुत असमानता पाई जा रही है और सरकार ने ठान लिया है हमें गरीबी दूर करना है। और गरीबी दूर करने के उद्देश्य के साथ सरकार क्या कहती है कि भाई पहले पता करो कितने गरीब हैं, फिर हम इन गरीबी दूर कर पाएंगे गरीबों के। तो गरीबों की संख्या पता करने के लिए हेड काउंट मेथड के लिए भारत में निरपेक्ष गरीबी अपनाया गया। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत ये किया गया कि भारत के अंदर जितनी जनसंख्या है या जितने लोग हैं उसमें क्या किया गया कि ये सिचुएशन लाया गया कि भाई पता किया जाए कि इस जनसंख्या में एक लाइन बनाया जाए, कितने लोग उस पैरामीटर को पूरा कर पाएंगे। वो लाइन एब्सोल्यूट लाइन होगी, उसे पावर्टी लाइन कहा गया। उस एब्सोल्यूट लाइन तक पहुंचने के लिए कुछ पैरामीटर्स किए गए। वो पैरामीटर्स क्या था वो मैंने अभी बताया। या तो कैलोरी कंजम्पशन रखा जाए, कितना कैलोरी वो कंज्यूम कर रहा है, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग रखा जाए या कितना वो खर्च कर रहा है। उन दोनों पैरामीटर्स पे अगर वो व्यक्ति फुलफिल कर रहा है तो उस पावर्टी लाइन के वो ऊपर हो जाएगा, और अगर उसको नहीं फुलफिल कर पा रहा है तो उसके नीचे हो जा रहा है। इस प्रक्रिया से हमें वी विल फाइंड आउट द रियल नंबर ऑफ द पुअर्स, या वी विल फाइंड आउट द पुअर्स एंड इसके हिसाब से सरकार चीजें करेगी। तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये बता पाया कि निरपेक्ष गरीबी है क्या और भारत में निरपेक्ष गरीबी क्यों लाया गया, ताकि देश के अंदर गरीबी की समस्या को दूर किया जा सके। समस्या दूर करना है तो बच्चों हमें समस्या कितने लोगों के साथ है उनकी संख्या पता करनी होगी सरकार के रूप में। और सरकार ने इसी प्रक्रिया को अपनाने के लिए क्या किया, गरीबी रेखा खींचा। ठीक है, अब चलते हैं सरकारी प्रयास, एक एक करके समझ लेते हैं और उसके बाद से लेटेस्ट तक हम आ जाएंगे। एक बात आपको क्लियर हुई कि देश में गरीबी मापने की जिम्मेदारी किसके पास है, उसका नाम क्या है, पावर्टी। ठीक है, नीति आयोग, उसका नाम क्या है, नीति आयोग। क्लियर हुआ। और सरकारी प्रयास क्या क्या है इसके, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं और फिर बात करेंगे हम क्या। देखिए, पहला प्रयास जो किया है गवर्नमेंट एफर्ट, सरकारी प्रयास लिखते चलेंगे, सबसे चले समझते चलेंगे। ठीक है, क्या था, सरकार ने पहली बार 1971 में, कब, 1971 ने योजना आयोग ने क्या किया, एक टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स का मतलब क्या है, आपने यूपी में अगर आप हैं तो एसटीएफ का नाम जरूर सुने होंगे, स्पेशल टास्क फोर्स। यानी टास्क फोर्स का मतलब कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाना और उन्हें एक टास्क असाइन कर देना, उसे क्या कहेंगे, टास्क फोर्स करेंगे। ये टास्क फोर्स जो बना वो यहां स्पेशल क्या इंटेंशन था, गरीबों की संख्या पता करना। ठीक है, और इसने क्या किया, इसमें दो लोग थे, वीएम दांडेकर और एन रथ, और ये पहला प्रयास था, इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट, नहीं ऐसे कह लो ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट था। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से दो पॉपुलर लोग थे जिनके बारे में आपको जानना है, वो क्या है मैं बता दे रहा हूं, वाई के अलग एंड लकड़ा वाला कमेटी।
कमेटी, वाईके अलग और लकड़ेवाड़ा कमेटी को एक साथ हम यहां देखेंगे। लड़का वाला नहीं है, लकड़ा वाला। वाई के अलग और अब देखो क्या हुआ। ये समिति कब बना? बना व्हेन? तो ये बना 1989 में। इसने रिपोर्ट कब दी? 1993 में। और इसका बेस क्या था? मापन का आधार बेस क्या था? इसके मापने का आधार क्या था? कैलोरी कंजम्पशन, कैलोरी उपभोग। लकड़ा वाला साहब ने कहा भाई कैलोरी कंजम्पशन हम पता कर लें। और उस कैलोरी कंजम्पशन में क्या था? मैंने बताया रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण क्षेत्र में क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे, और अर्बन में 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे और 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे, ये बनाया गया आधार। ठीक है, और फिर क्या हुआ इसमें? इसके हिसाब से मैंने बताया आपको 2400 गांव के लिए क्यों रखा, क्योंकि फिजिकल लेबर अधिक करना पड़ता है। इसके हिसाब से 32% भारतीय जनसंख्या, किसी किसी बुक में थोड़ा वैरी होगा डेटा, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, 32% जनसंख्या क्या हो गई? गरीबी रेखा के नीचे या गरीब मानी गई, पुअर। फिर दूसरा इसके बाद क्या आता है? क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है? सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति आई। भाई देखो ये बनी कब? टू थाउजेंड फाइव में। रिपोर्ट कब आया इसका? 2009 में। बेस क्या था इसका? कॉस्ट ऑफ लिविंग। आधार क्या इसका? मैं बता चुका हूं कॉस्ट लिविंग का मतलब क्या है, कितना खर्च होता है, या इसको कह सकते हो एक्सपेंडिचर मेथड। इसे हिंदी में व्यय विधि, या एक और हिंदी लिख लो खर्च विधि। इसके लिए क्या बनाया इन्होंने? बेस। तो भैया ये भी काम किए क्या? ये काम ये किए, ग्रामीण यानी रूरल, और ये क्या शहरी यानी अर्बन। क्या किया इसके लिए इन्होंने? इसके लिए इन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण व्यक्ति एक दिन में
27 रुपए पर पर्सन पर डे खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्र का कोई व्यक्ति कितना, 33 रुपए पर पर्सन पर डे खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं है। ठीक है, पर पर्सन पर डे अगर वो खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं है। अगर इसे मंथली पे देख लो तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 816 रुपया पर मंथ और ये आ जाएगा 1000 के आसपास, 1000 रुपया पर मंथ। सुरेश तेंदुलकर साहब का है कैलोरी कंजम्पशन छोड़ो, उसमें बहुत दिक्कतें थी। उन्होंने कहा एक काम करो, मैं नया कॉन्सेप्ट अपनाता हूं, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। उन्होंने कहा अगर गांव का एक आदमी रोज अपने ऊपर 27 रुपया खर्च कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो बीपीएल नहीं है, वो एपीएल होगा। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, अगर कोई व्यक्ति शहर का है वो 33 रुपया खर्च कर रहा है तो ऐसा करने के बाद जो गरीबों की संख्या निकल के आई 28.8%, नंबर ऑफ पुअर्स। अब आपके मन में सवाल यह हो सकता है कि भाई ये तो मजाक हो गया, वर्तमान समय में तो 60 रुपए किलो दूध है तो 27 रुपए में क्या हो सकता है। इसके बावजूद भी सरकार इतना कम क्यों रखती है, इस चीज को समझिए थोड़ा सा, यहां कॉन्सेप्ट जा रहा है, ध्यान से सुनना है। जब हम 27 रुपया और 33 रुपया रखे हुए हैं तो भी हमें 30% भारत की जनसंख्या क्या मिल रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन। और 30% भारत की जनसंख्या का मतलब समझ लो आप 40 से 50 करोड़ लोगों को जब 2 रुपए किलो गेहूं देना पड़ेगा, सोचो कितना बड़ा सब्सिडी का बर्डन होगा। और कहीं ये 27 के जगह 50 रुपया रख दिया तो ये जो 28% है ना, ये 50 चला जाएगा, यानी आधे भारत को पीडीएस देना पड़ेगा आपको, फिर सब्सिडी देना पड़ेगा। तो भाई पैसा आएगा कहां से, और मैं समझा चुका हूं आपको भाई कि अगर सब्सिडी का बर्डन बढ़ा तो सरकार को टैक्स क्रूएल करना पड़ेगा। क्रूएल मतलब समझते हो ना, सरकार को और कठोर हृदय का बनना पड़ेगा, टैक्स को और बढ़ाना पड़ेगा। और जब टैक्स बढ़ाना पड़ेगा तो नया उद्योग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, इससे दिक्कतें हो जाएंगी। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार इतना कम रुपए कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों रखती है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के आधार पे जुड़ा हुआ है कि भाई कम से कम रखो, इससे कम परसेंट गरीब आएंगे। और दूसरी बात और क्या है, इससे ये भी रहेगा, आप वर्ल्ड लेवल पे भी आप डेटा अपना दिखा सकते हो कि देखिए भाई हमारे यहां इतने लोग हैं और इतने ही गरीबी है, तो इस लिहाज से भी। और दूसरी चीज क्या है, सरकार को खर्च कम करना पड़ेगा, उस लिहाज से भी ये बातें रखी है। क्लियर हो गई बात। और इस पे बहस चल रहा था तो कि ये सही नहीं है, तो इसी बात को लेके हुए सरकार ने 2012 में क्या एक नई कमेटी बनाई, सी रंगराजन, सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन कमेटी बनाई गई, इसने भी सेम चीज किया क्या, इसने अपनी रिपोर्ट की, रिपोर्ट दिया बच्चे 2014 में। ठीक है, इनका भाई बेस क्या था पता करिए, इनका भी बेस वही था क्या, कॉस्ट ऑफ लिविंग या
एक्सपेंडिचर मेथड। इनका बेस क्या था? कॉस्ट ऑफ लिविंग या एक्सपेंडिचर मेथड था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ ये समझिए आप लोग। इसके बाद ये हुआ कि इन्होंने भी वही चीजें की क्या, ग्रामीण यानी रूरल, और ये क्या अर्बन यानी शहरी, और ये कुछ नहीं किए, रंगराजन साहब ने थोड़ा पैसा बढ़ा दिया। क्या कहा? कहा कि गांव के लोग अब जो 33 रुपया पर पर्सन अब्लिक पर डे, और अर्बन 47 रुपया पर पर्सन पर डे, ठीक है, ये किया इन्होंने सी रंगराजन साहब ने, ठीक है। और इनके हिसाब से 2014 में जो रिजल्ट आया इसका, इनके हिसाब से भारत में गरीबों की संख्या 21.9% है। समझ पाए? कुछ किया नहीं, सेम बेस सेम एस्टिमेशन, इन्होंने बस क्या खर्च बढ़ा दिया। अब आपको लग रहा होगा कि पैसा बढ़ाने पे भी गरीबियों के प्रतिशत में कमी कैसे आ गई, है ना? तो देखिए, बदली हैं चीजें और नो डाउट लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा है, बहुत से लोग गरीबी से बाहर निकले भी हैं, अब वो स्थितियां नहीं रह गई हैं। अगर अपने गांव में भी आप बदलाव देखें तो आप देख पाएंगे, यू कैन फाइंड इट आउट दैट अब शायद कच्चा मकान किसी का हो, शायद ही कोई झोपड़ी में रह रहा हो, ठीक है। बहुत लोगों के पास मोर और लेस पक्का मकान हो चुका है, सबके पास ऑलमोस्ट गैस सिलेंडर हो चुका है, ये बड़ी बातें मानी जाती थी। सबके पास आज लगभग टेलीविजन है, मोबाइल फोन सबके पास है, तो चीजें तो नो डाउट बदली है, ठीक है। फिर इस पे भी बहस हो रहा था कि भाई 33 रुपया कुछ नहीं होता, 47 रुपया कुछ नहीं होता, इस चीज को लेकर के। तो जब इस पे बहस चल रहा था तो इसी दौरान, ठीक है, 2015 में क्या हुआ, नीति आयोग ने क्या किया, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स बनाया। 2015 में अरविंद पनगाड़िया, पंगालिया नहीं, अरविंद पनगाड़िया क्या थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष, अभी कौन है, राजीव कुमार। इन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया, ठीक है, कब, 2015 में। क्या हुआ, 17 में ये साहब छोड़ के चले गए क्या नीति आयोग को, तो इसकी अभी रिपोर्ट आई नहीं है। इसका क्या किया गया, कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसका टाइम पीरियड अभी चल रहा है, अभी इस पे ऐसा सच ऐसा कोई रिपोर्ट इस पे क्लियर नहीं अभी प्रकाशित हुआ है, इस चीज को प्रकाश में आया है। तो ये रहा करीबी एस्टिमेशन के क्या सरकारी प्रयास, ठीक है। और चीजें अगली क्लास में देखेंगे, थोड़ा गरीबी का और फिर बेरोजगारी की चीजें क्या होती हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।